नकली बाबा थे, पेट में दर्द हो रहा है, जिंदगी झंड कर दी आज, मूसी सी नहीं मर जाती। इंसान को ना हर चीज देखनी चाहिए। माला पहन लगी ये सुबह के लिए सिलेक्टिंग को पापा ने किया है, मैं छोड़ के आ गई। तो भारी है ना, वो गिर के तोड़ दिया भाभी ने। तेरे हाथ में सब कुछ टूट जाता है। ऐसे था ये, कैसे टूट सकता? ऐसे क्या टूट गया? कर दे नुकसान। फोनों को कोई कुछ बोल दे वो ये सहन नहीं कर सकते। डायमंड का पर्स बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 7 बजे, क्योंकि मैं और पायल गए थे शॉपिंग करने के लिए और शॉपिंग कर आए हैं। गई घर में है शादी तो करके आए हैं खूब सारी शॉपिंग, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या लेके आए हैं। तो ये लाए गाइस, देखो ये है लड़की वाली, ये लड़के वाले। मंदी भैया देखो, ये जो लड़के वाले होंगे ना वो सब ये लगाएंगे। अच्छा, और एक सेकंड ये पिन खुल गई। जो लड़की वाली होंगी वो ये लगाएंगी सारे टैग, सही है ना? सब पूरे पूरे हर फंक्शन में लगाएंगे। तो ये सबके लिए लेके आए हम यहाँ से, बहुत सस्ता मिला हमें, है ना? और वहाँ पे अगर मैं वहाँ से मंगा लेती ना तो मेरे को बहुत महंगे मिलते हैं बैच। अभी मैंने गाइज उस दिन ना हम शादी में गए थे ना बोनिश की ना, तो भवदीप की, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी नहीं देखी थी जो हमने अभी तक नहीं देखी। चश्मे हो गए, जैसे लाइक चश्मे, काले काले चश्मों पे लिखा होगा दुल्हन की बहने। मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर किया एक पेज से ना बहुत सारा सामान, वो जब हम घर पहुंचेंगे ना तो घर पे ऑलरेडी आ चुका होगा। और मैंने ना बहुत सारी ज्वेलरी मंगवाई, मम्मी के घर आ गई है, क्योंकि जहाँ पे हम अभी हैं वहाँ का एड्रेस मुझे पता नहीं, तो मम्मी के घर पे वो बॉक्स आ चुका है। और मैं देखती हूँ अगर वो कोई लेके आने वाला होगा तो वो आज आपको दिखाऊंगी सारा, इतना सारा सामान लिया बहुत सारा। ये मंदी कंगन है, ये सब लड़कियों को भाभी बनाएगी। अच्छा। भाभी नहीं बनाती है, हम बनाएंगे भाभी के लिए। तो मैंने ले रखा ना जिसमें भाभी जो दुल्हन का होता ना उसमें गाइस कोड़ी होती है, चाकू होता है। भाभी सब लड़कियों को लड़कों को पहनाएंगी, भाभी थोड़ी बनाएंगे, हम भाभी को बनाएंगे। वो भैया खोलेंगे फिर वो जो गेम होता है ना। भक्ति ने तो हमें पहनाया था पोटली के अंदर, पर हमने लास्ट टाइम किसने बनाया था? लास्ट टाइम तूने सबको पहनाया, मैंने सबको, तो भाभी बनाई। मैं कब से बोल रही, मान ही नहीं रही, तूने तो पहनाया था सबको। गाइज हमने पटरे भी लेके आए, हमने वहाँ पे पटरे पूछे थे 450 ऐसे मिल रहे थे। यहाँ पे 170 का एक, 170 का एक पटरा मिला था, दो पटरे ले लिया हमने। एक पे दूल्हे वाले अपने दूल्हे को बैठाएंगे, एक पे हम दुल्हन वाले अपनी दुल्हन को बैठाएंगे। फोटोग्राफर वो एल्बम तो बनवानी पड़ेगी ना? हाँ एल्बम तो बनेगी, पहली बार शादी हो रही है तो एल्बम, मेरी शादी की तो आज तक ना एल्बम आई है ना वीडियो आई है, कुछ नहीं आया मेरी शादी का। लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हरमान जी की तरफ से, जो कि है गाना डोली गाना, जिसने अभी तक नहीं देखा नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे जाके देख लेना। उसमें आपको मेरी पूरी शादी दिख जाएगी, मेरी हल्दी, मेरी मेहंदी, मेरी विदाई, विदाई पे मैं रोई, फिर पापा नकली पापा थे पर असली मम्मी थी गाने में। और वो गाना इतना इमोशनल है ना, हम अपनी ये वाली शादी में जरूर चलाएंगे वो गाना। ठीक है, तो आज सुबह से ना तुम हम जाम में फंस गए हैं, इतना जाम है, इतना जाम है। घर हमारा पास में 2-3 किलोमीटर, पर जाम इतना ज्यादा है ना, और खाने को दूर दूर तक कुछ नहीं मिला। घर पे ये कहते हैं घर से भूखे पेट निकलो ना तो कुछ नहीं मिलता, चाय पी के निकले थे घर से हम आज सुबह, कुछ नहीं खाया। तो इसलिए कहते हैं जब भी घर से निकलो ना, चाहे कितनी देर के लिए भी निकलो, घर से जरूर कुछ ना कुछ खा के निकलो। घर पे रखा भी थी, और परसों जब हम घर से सब ब्रेड और चाय खा के निकले थे तो हमें वहाँ जाते हुए खाना मिला बढ़िया, रास्ते में खाना मिला, वहाँ पे गुंजन के यहाँ सैंडविच मिली, मतलब सब जगह खाने के लिए मिला था। और आज कुछ नहीं खाया तो कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। मुझे ये ट्रैफिक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आई डोंट लाइक दिस ट्रैफिक इन दिल्ली। व्हाई दिस कोलावरी ट्रैफिक इन द रोड इज वेरी क्लोज टू आवर हाउस, बट दिस ट्रैफिक इज अंडर द डिस्ट्रक्शन, अंडर द बॉसेस। पेट में दर्द हो रहा है भूख के मारे, मेरा अभी तो बोला नहीं जा रहा मुझसे, तो फोन देखा जा रहा है पर तू चेहरा क्या करूँ ना, टाइम पास नहीं हो रहा ना। ऐसे बैठ जाओ, हमसे आँख बंद करके बैठ जाओ, टाइम पास हो जाएगा। बहुत देर से ये लगा लो, सुबह से हम बाहर है। और मंदीप भैया को इतनी देर से हमने बोला भैया कुछ खिला दो, पर भैया घर ले जाएंगे, कुछ खिलाएंगे नहीं। जो ये तूने मैप लगाया ना, तूने हमारी जिंदगी झंड कर दी आज। इतना हम सुबह से अब तक नहीं थके जितना ये 1 घंटे के अंदर तूने दिखाया ना आज हमें। ये जो रेड लाइट थी ना आज 1 घंटा लगा बोलने की हिम्मत, सोचने की कंधे ऐसे जैसे मैंने डंबल उठा रखा हो 10-10 किलो का, ऐसे हो गए कमर ऐसी हो गई है जैसे पता नहीं आज मैंने बैक का वर्कआउट किया है, ऐसा हो रहा है। पेट ऐसे मरोड़ी सा बन रहा है पेट की, ऐसे घर जाते जाते ऐसे मूसी सी नहीं मर जाती भाभी? हाँ भैया, भाई ने दिल्ली इसीलिए छोड़ा था शराब इंतजाम के। ऐसे जैसे मूसी सी नहीं मर जाती है, ऐसी थोड़ी देर में ऐसे मूसी मरने वाली है हमारी। मैं भी शायद ऐसे रहूं जिंदगी में। कोई ना भाभी हम तो पहुंच गए, तू तो रहने दे, पहुंच गए करके मैं घर थोड़ा लाया सी। 5 बजे से भूखा मार रखा इस लड़के ने हमें, सच में 7:30 खुद दोबारा का खाता नहीं है। मैं चाय पीऊंगा तो मेरी चाय फिर भूख मर जाएगी। मैं कुछ खूब बना के खाऊंगा। रहने दे पता लगे घर जाके पहले भाभी कुछ खिला दो। मम्मी ने बोला था दाल और रोटी रखी हो तो कोई खा
लूंगी, रोटी बनाई खाऊंगा मैं, ठीक है। तो गाइस बने रहना व्लॉग में और देखना कहाँ रोटी बनी और कहाँ मैंने रोटी खाई है, जरूर देख के जाना। अगर नहीं खाई हो ना तो इसका नाम जो पीछे बोल रहे है टिंकू, इसके नाम के इतने कमेंट भर देना, इतने कमेंट भर देना कि इसे शर्म आ जाए, लज्जा आ जाए इतनी भोंडी वाली ना, ये अगली बार कभी ना बोले कि भाभी मैं रोटी बना के खिलाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे ना इतने छोटे छोटे घर है, मतलब सिर्फ 12 गज के घर है यहाँ पे, और 12 गज के घर में ना पूरी फैमिली रहती है। मतलब कैसे ये लोग एडजस्ट करते हैं, तो देखो एडजस्ट तो मैंने भी बहुत किया, गोलू ने भी बहुत किया, हमने एक सिंगल सिंगल कमरे में भी रह के नीचे अपना गद्दा बिछा के सोए हैं, नीचे चद्दर पे भी सोए हैं, सारी चीजें। तो लॉकडाउन में भी हमने एसी ना चलाए, सारे एक ही कमरे में सोते थे, गद्दे बिछा के दो नीचे। लॉकडाउन में तो तुमने इतना नहीं देखा होगा भैया, जो हमने शुरुआत में मैंने और चीकू पापा ने देखा है, बहुत ज्यादा उस टाइम तो ये लगा लो बहुत ही वो था, बहुत ही बुरा टाइम, बहुत बुरा नहीं कह सकते। देखो इंसान को हर समय देखना चाहिए, अच्छा भी बुरा भी। बुरा का मतलब ये था कि पर मतलब अमीरी भी गरीबी भी, हर इंसान को ना हर चीज देखनी चाहिए ना, तो इंसान को हमेशा अमीर रहना चाहिए ना हमेशा गरीब रहना चाहिए, सारी सिचुएशन देखनी चाहिए कि उससे ना इंसान को ना जिंदगी जीने के उत्तर वो पता चल जाते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे जीना चाहिए। और ये लोग यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ इतने छोटे छोटे घरों में रहते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं लाइफ को, जैसे हम लोग मैं और गोलू इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, ऐसे ये लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं। भाई मेरा और सर घर से कभी भूखे पेट नहीं जाना चाहिए, आपको पता है कुछ खाने के लिए पूरा दिन। आपने जब फोन नहीं किया था 5 बजे कुछ खा लो, 4 बजे से कुछ नहीं खाया, मिला ही नहीं खाना। देखाऊंगी फ्रूट खाऊंगी, पहले चाय पीऊंगी। 150 रुपए की 10 जुराब ले आई मैं, ये लाई हूँ मैं, देखो आपका काम भी मैं ही करके आई हूँ। आप दूल्हे वाले हो ना, ये लो सही है। लड़के वाले ये, हम लड़की वाले पाल, ऐसी ऐसी चीजें लेके आती है पूछो मत। और इतनी सस्ती लेके आई हूँ सुंदर बाजार से, ये सारी 150 रुपए की सही है। यहाँ 150 मिलती वो भी ले आता मैं। और हमने वहाँ पे देखा, हमने पटरा देखा अब्दुल्ला दुल्हन को, उस पे हल्दी मेहंदी पे बिठाना पटरे पे, वहाँ से 450 रुपए के पटरे, हम लाए 170 रुपए का पटरा सही है। और ना ये जैसे भाभी को हम सामान देंगे ना कुटू, यार 450 रुपए के थे ये 10, वहाँ पे 120 रुपए के 10। तो वहाँ से सामान हम ला के दुकान खोल सकते हैं। हाँ, वो सब ऐसे सामान तो भाई यहाँ पर बेहतरीन सा ऑमलेट आ गया है, क्योंकि सूरज भाई का ऑमलेट तो आपको पता है पूरे इंडिया में मशहूर है। नहीं हाँ, मंदीप भैया का हमें भूखा लाना ये भी मशहूर है, ये पूरे इंडिया में मशहूर हो गया आज के मंदीप भैया सदर बाजार से हमें भूखा लाया। कुछ नहीं खिला तुम भाई, एक बात बताओ भाभी और मेरे से ज्यादा रह रही है दिल्ली में, तो मेरे को पता है कि खाने का कहाँ कब मिलता है, भाभी अपना पता इन्हें बेरा होना चाहिए, बताइए नहीं भाभी अरना मैं तो चलता रहा। ये बताओ पहले भाभी, तो मैं चलाऊंगा लेकिन रुकवाने का हफ्ता आपका बना है कि यहाँ पर अच्छा मिला यहाँ पर अच्छा, मुझे तो कुछ ऐसे लेके आए हो जहाँ पे कुछ खाने के लिए, वहाँ क्या रुकवाते? नहीं रास्ता मैं नहीं लेकर आया, रास्ता गूगल मैप लेकर आया, मुझे तो पता ही नहीं भाई जी रास्तों का। तो गोलू ज्यादा टाइम नहीं खराब करती, गोलू अपना निपटा दिया ऑमलेट और क्या, ज्यादा बिल्कुल नहीं, रास्ते में इतनी भूखी थी कि ज्यादा बोला नहीं जाएगा, इससे पहले मुझे पता था तुम भूखी हो और मैं तुम्हारे ध्यान रखने के लिए क्या लेके आऊं, देखो फ्रूट रखे, हां फ्रूट है इसमें देख ले खोल के, ऐसी पैकिंग रखी है पाल, बहुत गहरी मजेदार। कोई रोटी नहीं बनाई, मैंने कहा था ना देख लेना, और यही है वो टिंकू, अब इसके नाम के इतने कमेंट भर देना। यहाँ पे सूरज हमें चाय और ऑमलेट बना के खिला रहा है, क्योंकि सूरज को पता है दोनों बहनें बहुत थक गई है शादी की तैयारी करते करते, और ये इतना झूठा आदमी है देख लो। हाँ भाई क्या हो रहा है, माला पहन लगी सुंदर लग रही है, ग्रीन सूट पहन के गई है, अच्छी लग रही है ना, पापा पापा कर ऐसे कर रही है, डर रही होगी, डर रही होगी, हाँ डर रही है, रो रही है, दे 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 रो रही है, रो रही है। तो गाइस आज मैं बड़ा प्यारा सा पार्सल आया है, और हमने सोचा एक काम करते हैं, शादी है तो ये सारा सामान ना मंगवा लेते हैं, तो ये एक पार्सल आया आई कैंडी की तरफ से, तो ना एक बहुत ही प्यारा सा वॉलेट है, मतलब ये मतलब बहुत डिफरेंट है, जैसे लड़कियां पकड़ती है ना उससे बहुत डिफरेंट है, किसी पार्टी में जाएंगे ना वही, इसमें इतनी वजन है ना, इतना भारी वॉलेट है, तो एक ये है, मैं और भी दिखाती हूँ कैसे मंगवाया। अच्छा हमने तूबा के लिए बहुत स्पेशल चीज मंगाई, मैं दिखाती हूँ एक पर्स है दिल वाला, दिखाती हूँ। अच्छा ये पता किसने सिलेक्ट किया था, आप गेस करो किसने किया होगा, ये तूबा के लिए सिलेक्ट किया हमने, हमने नहीं किया चीकू पापा ने किया है, और उन्होंने बोला तूबा के लिए मंगा लो, और इसके अंदर इतनी जगह भी है, इसमें इसका पैसिफायर आराम से आ जाएगा, तो तूबा हमारी ना ओफो मेरे को तो आएगा नहीं, मेरा थोड़ी बड़ी हूँ, तूबा ऐसे टाल लीजिए। अच्छा अभी हमें ना शादी में जाना है 2 तारीख को, तो हमने ना हमारी जो साड़ी ना गोल्डन कलर की है, तो अभी एक ही आया है, मैंने उनको बोला है कि एक और भेजो, क्योंकि हम लोग जब भी करते हैं ना ट्यूनिंग करते हैं मैरून, तो साड़ी बिल्कुल सेम है, साड़ी चप्पल मेकअप सब कुछ सेम होगा, और चल अगर पर्स अलग होगा ना तो डिफरेंट लग जाएगा, इसलिए मैंने एक और मंगाया ऐसा सेम, तो बहुत सारे पर्स मंगाया दिखाती हूँ, एक ये मंगाया बहुत ही ब्लिंक, इस बार ना सारे ब्लिंक ब्लिंक वाले मंगाया, क्योंकि आजकल ना ये ट्रेंड चल रहा है, दिल्ली चंडीगढ़ कहीं पे भी जाओ ना ट्रेंड चल रहा है कि आपके ड्रेस के ऊपर ना पर्स ना ब्लिंग ब्लिंग होना चाहिए, तो हमने ये मंगाया। कैसे पकड़ते पर्स,
इसकी चेन भी अंदर बड़ा लटका सा पर्स है, तो एक ये पर्स है। अच्छा पहले ना हमें पता नहीं होता था कि, क्योंकि हम लोग शॉपिंग करने बहुत कम जाते थे, सारे सामान हम ऑनलाइन मंगा लेते थे। अभी हमें पता चला जब हम आज सदर गए ना, तो सदर में हमने एक ज्वेलरी शॉप में गए, वहाँ पे हमने देखा महंगी ज्वेलरी होती है। एक ना सेट मुझे बड़ा पसंद आया, बहुत सुंदर लगा, तो एक छोटा सा सेट था, मैंने कहा क्या रेंज है इसकी, कह रहे 14,000। तो मुझे लगा कि यार देखो मैं खरीद तो सकती थी, बट मुझे लगा वर्थ नहीं है 14,000 पे बर्बाद करने के सेट के ऊपर, मैं छोड़ के आ गई। बट सच में बड़े महंगी महंगी। अच्छा इसका एक और कलर ये है पिंक और उसमें सिल्वर में एक और कलर है। और ज्वेलरी तो इतनी सारी वेस्टर्न पे मंगाई ना, हमने सोचा था हम वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे, वेस्टर्न के साथ ना हमेशा पेयर अप करेंगे अच्छी अच्छी ज्वेलरी, तो हमने पर्ल का केप मंगाया, वो केप मैं आपको पहन के दिखाती हूं। और एक ये पर्स मंगाया, मेरे को लग रहा है ये भी टू बटांगेगी, पिंक कलर का छोटा सा है ना, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। अच्छा ये है वो केप, एक मिनट रुक जाओ मैं आपको दिखाती हूं पहन के। आजकल ना बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ऐसे पर्ल वाले, देखो वैसे पर्ल अगर ये मोती हम लेने जाएंगे ना वो बहुत कॉस्टली होता है, पर ये वो नहीं है, ये उसका कॉपी है, पर मैंने ये मंगाया किसी साड़ी या किसी आउटफिट साथ पहनने के लिए। और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट जरूर करना, मतलब हम ना चाहते हैं कि हम थोड़े से डिफरेंट और क्लासी हो जाए, तो इसलिए हमने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें मंगाई है। एक पर्स और है ये वाला गोल्डन कलर का। चीकू के पापा हमें बोल रहे कि तुम क्लब या कहीं जाया करो ना, तो ऐसी चीजें कैरी करा करो। मैं एक बात सुन ले, इसको खोलेगा कौन? मैं ही खोलूंगी, पापा आएंगे, तरुण बसरा या रामचंद्र आएंगे? नहीं ना रामचंद्र आएंगे ना तरुण बसरा आएंगे, कृतिका मलिक खोलेगी। कृतिका मलिक ने पहनाया, इतना भारी है ना ये तो मेरे को लग रहा है जैसे सर पे रखूंगी ना तो भारी। अच्छा आप लोगों ने ना हसली तो सुनी होगी, हसली हरियाणा और राजस्थान। हसली क्या होता है? हसली होती है एक चीज होती है हसली, पहले की बुढ़िया औरतें पहनती थी हसली, हसली पता है आपको? हाँ वो हसली जैसे मैंने कुछ मंगाया, मैं दिखाती हूँ इसे गले में पहनेंगे। ये जितना सामान है रखा दिखा दिया, उसके बाद अलमारी में फटता नहीं। अच्छा गुड्डू ना जब भी हमें वो करते हैं ना कि नहीं पहनेंगे, तो हम ज्यादा चीजें पहनते हैं। ये वो असली देखो, ये अच्छी लगेगी, कोई ब्लैक कलर का वन पीस पहनो, व्हाइट कलर का कोई, मैं तो वन पीस पहनो उस पर बड़ी सुंदर लगेगी ऑफ शोल्डर। तो आज हमने बड़े सुंदर सुंदर चीजें देखी थी सदर बाजार के अंदर, तो ये जो सेट है ना ये पायल पे ज्यादा, मतलब पायल पे ड्रेस पे ज्यादा पता चलेगा, मैंने ब्लैक पहना हुआ है ना ड्रेस, इसकी लुक आएगी। तो ये हमने ना मेहंदी के लिए मंगाया, जब वेस्टर्न कपड़े में अच्छा लगे, सोना है, बहुत सुंदर है, इसके एयरिंग्स बड़े सुंदर है। गोल्ड पे तो सारे लोग पैसा खर्च करते हैं, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, पर हमने गोल्ड की कॉपी मंगाई है, ये देखो सोनी लग रही है, सोनी लग रही है ना। हाँ। ऐसी बहुत सारी रिंग मंगाई मैंने, दिखाती हूँ देखो तो रिंग, तो एक ये भी रिंग है, कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है, लाल शेप में है ना। अच्छा ये देखो आप मुझे कमेंट करके बताना कि दोनों में से ज्यादा अच्छा सुंदर पर्स कौन सा है। वैसे तो दोनों की अपनी अपनी एक क्वालिटी है, इसमें गोल्डन में ब्लैक भी आ रहा है और ये गोल्डन, दिखा तो सही ये और ये दोनों ही सोने हैं, दोनों अच्छे ना। अच्छा ये साड़ी के साथ चलेगा, ये कभी हमने वेस्टर्न ड्रेस पहनी वन पीस पहनो तो चलेगा, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी रिंग है और भी है गुलट्टी रिंग। अच्छा इसमें कान की भी बहुत सुंदर है गुड़ी, ये कान की है। अच्छा नहीं आ रहा, तू पहले खास ले, खास लिया दिखाइयो, ये तो टक्के जगह ना। हाँ टकिया होगा, पहन के दिखा, तोड़ दिया भाभी ने गोलू, तेरे हाथ में सब कुछ टूट जाता है, तू रहने दे, भाभी ने जोर से खींचा होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ पे ऐसे था, ये कैसे टूट सकता? हाँ जोर से खींचा, भाभी ने चेक कहाँ से खोलता है, खोलने के चक्कर में तोड़ दिया, मैंने सिर्फ हाथ लगाया, मेरे हाथ में क्या करंट है, करंट नहीं जोर है, सकते यार बाबू अच्छे से वेल्डिंग हो रखी है। मैंने ना एयरिंग को, ये एयरिंग था ठीक है, तो मैंने एयरिंग को ना ऐसे करके ना ऐसे करा, टूट गया मेरे हाथ में। एक बात बताओ ये वेल्डिंग हो रखा है कैसे टूट सकता है, खोलने के चक्कर में कान से खोलता है, पकड़ के ना ऐसे ऐसे कर दिया नुकसान, तुम वैसे नहीं पहनो नुकसान, ये काम होता पकड़ी दिखाई बोली ना तोड़ना, सेम जगह से तोड़ना, मेरी माँ ऊपर से यहाँ से ये टूटा हुआ, ये टूटा हुआ, चिकू पापा बराबर कर देंगे इन दोनों को, ये बन गया डिजाइन, ये बन गया डिजाइन। अच्छा चिकू पापा कहीं भी ना कोलू को कोई कुछ बोल दे वो ये सहन नहीं कर सकते, छोड़ दे, मैं दोनों को नहीं सहन करता, पाली के बारे में बोलता तब भी मैं नहीं सहन करता, पाली ना जब भी कहीं जाओ ना ये लेके जाना तब अच्छा लगे। अच्छा अभी हम दो तक को जा रहे हैं, दो को गए, एक को भी जा रहे हैं, एक को भी जा रहे हैं, एक को हमारे गोल्डन ड्रेस है और दो को हमारा ब्लैक ड्रेस है, तो गोल्डन वाले हम ये लेके जाएंगे, ब्लैक के लिए मंगा लेंगे। अच्छा और तो पास इतनी सारी एक्सेसरीज होती हैं, मतलब पूछो मत, मतलब आदमी के पास भी होते हैं, मैं दिखा दे, फिर बोले ले, हां क्यों कम आज आगे साथ में क्या है, मैं दिखाती हूं ठीक है, ये तो गुड्डू को बहुत ज्यादा पसंद आने वाले, मुझे लग रहा तुम्हारे ना कि वार्डरोब बनवा देता हूं मजेदार सा, अच्छा सुंदर है ये, इसे सर देखिए टंगेगा, ये भी है और ये भी है, इसकी जो ऊपर की बक्कल है ना इसके ऊपर ये टंगा है, आजकल काफी चीजें बनने लगी है ना, बहुत एडवांस हो गई दुनिया। अच्छा पहले हम लोग ना शॉपिंग करने जाते नहीं थे, हम सारा सामान घर में मंगा लेते थे, और जब हम गए ना
सदर बाजार में, सदर बाजार में बहुत सस्ती चीजें भी है, बहुत महंगी चीजें भी है। आज हमें पता लगा कि इतनी महंगी चीजें भी होती है और इतनी सस्ती, और इतनी सस्ती भी होती है। जैसे 150 रुपए की 10 जुराब लेके आए हम। ये तो ऐसा होता है जैसे नहीं होता खेतों में, खेतों में। कल वाले ब्लॉग में ना इतनी ज्यादा हंसी आई लोगों को मंदीप भैया की बात पे, कि जब उन्होंने बोला ना बैंड बाजा, कम से कम ना 30 से 40 कमेंट मैंने पढ़े कि मंदीप वाली भैया की बात पे सब इतना हंसे है भैया। हाँ चलो सोते हैं। मैं सोच रही हूँ डायमंड के रिंग छोड़ दे, एक पर्स ले लेते डायमंड का। पहाड़ी वाले इनसे पूछना पड़ेगा एक डायमंड का पर्स दिलाएंगे कि नहीं। जैसे ये जो है ना, ये सारे मोती जड़े हुए हैं, मैं सोच रही हूँ ज्यादा नहीं, पूरा डायमंड का पर्स ना, थोड़े बहुत ही डायमंड। सुन सुन ऐसा करेंगे, देख पहले दे देंगे चिकू की भाऊ को, फिर दे देंगे जैक की भाऊ को, ठीक है, फिर दे देंगे आयन की भाऊ को, जब तीनों का हो जाएगा फिर तुम लोग सोच रहे हैं ऐसे एक ना डायमंड का पर्स बनाते हैं अपने लिए, पर अरमान जी की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी परमिशन ले लेते हैं। अगर वो कहेंगे तो फिर मम्मी पापा को इतना बड़ा कार्य देते हैं जो आज तक उन्होंने करा नहीं होगा। ऐसा बनवाने वाले हैं हम डायमंड का पर्स। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जाने से पहले यहाँ पर अरमान जी की स्नैपचैट की आईडी है, जाकर उनको फॉलो करो, क्योंकि ब्लॉग से पहले की जितनी भी अपडेट्स होती है आपको स्नैपचैट में मिलती है। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आओ फिर ऐश करो, बाय बाय।